नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक आनंद। मैं एक कैंसर स्पेशलिस्ट हूं और आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ कैंसर के बारे में। कैंसर को मुख्यतः दो टाइप से बांटा गया है, एक है सॉलिड कैंसर और दूसरा है ब्लड कैंसर, जिसे हम लोग साइंटिफिक भाषा में हिमाटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज भी कहते हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे सॉलिड कैंसर के बारे में। सॉलिड कैंसर को इसके ओरिजिन की तरह से बांटा जाता है, जिसमें कार्सिनोमा हो जाता है जो कि एपिथेलियल सेल से ओरिजिनेट होता है, दूसरा होता है सार्कोमा जो कि कनेक्टिव टिश्यू से ओरिजिनेट होता है, तीसरा होता है सीएनएस ट्यूमर जो कि ब्रेन के सेल से ओरिजिनेट होता है, और तीसरा चौथा होता है जर्म सेल ट्यूमर जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के सेल से ओरिजिनेट होता है। तो पहले आएंगे हम लोग कार्सिनोमा के बारे में। तो कॉमन कैंसर जो होते हैं जिसे कार्सिनोमा कहते हैं, उसमें मोस्ट कॉमन होते हैं लंग कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी कैंसर, स्टमक कैंसर और कोलोन कैंसर। अगर हम लोग बात करें हेड एंड नेक कैंसर की, तो ये सबसे कॉमन कैंसर है अपने इंडिया में, और इसे फिर से तीन तरह से बांटा जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द साइट। जिस साइट से ये होता है कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर, उस तरह से इसे तीन पार्ट में बांटा जाता है। पहला है ओरल कैंसर यानी मुंह का कैंसर, दूसरा है ओरोफैरिंक्स कैंसर, और तीसरा है हाइपोफैरिंक्स कैंसर यानी कि गले का कैंसर। इसके बाद आता है लंग कैंसर जो कि बहुत कॉमन कैंसर है, इसे फिर से हिस्टोलॉजिकल रूप में बांटा जा सकता है यानी कि पैथोलॉजिकल रूप से बांटा जा सकता है, जिसमें पहला है स्मॉल सेल लंग कैंसर और दूसरा है नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर। नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर को फिर से दो प्रकार से बांटा गया है, जिसमें आता है स्क्वैमस सेल लंग कार्सिनोमा और दूसरा है एडिनो कार्सिनोमा। तो ये बहुत ज़रूरी है लंग कैंसर का पैथोलॉजिकल रूप से डिवाइड करना, क्योंकि इसके बेसिस पर ट्रीटमेंट का भी चयन किया जाता है। तीसरा है ब्रेस्ट कैंसर जो कि महिलाओं में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर है, और इसे अब मॉलिक्यूलर रूप से बांटा जाता है, जैसे कि ईआर स्टेटस, पीआर स्टेटस और हर2 स्टेटस। ये सभी कैंसर सेल के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, जिससे ये पता लगता है कि ब्रेस्ट कैंसर किस तरह से किसी भी मरीज को प्रभावित करेगा, वो कितनी गति से वो बढ़ेगा और उसकी प्रोग्नोसिस क्या है। इससे हम लोग पार्टिकुलर दवाइयाँ भी चयन करने में हमें आसानी होती है, जैसे ERPR पॉजिटिव है तो उसके लिए हार्मोनल एजेंट देते हैं, और HER2 पॉजिटिव है तो उसके लिए टारगेटेड एजेंट जैसे कि ट्रास्टुजुमैब, पर्टुजुमैब, ये सभी दवाइयाँ देते हैं। इसके बाद आता है स्टमक कैंसर जो कि कॉमन कैंसर है, और इसे फिर से हिस्टोलॉजिकल रूप से बांटा गया है, या फिर इसे डेप्थ ऑफ इन्वेजन यानी कि कितनी गहराई तक ये कैंसर फैला हुआ है, इसके रूप से भी बांटा जा सकता है। फिर आता है कोलोन कैंसर। कोलोन कैंसर को पुनः हम लोग देखें तो मॉलिक्यूलर रूप से बांटा जाता है, और राइट साइड और लेफ्ट साइड की तरह से भी बांटा गया है। अगर मॉलिक्यूलर स्टडीज़ की बात करें तो के रास एक मॉलिक्यूल होता है या फिर एक रिसेप्टर होता है कैंसर सेल के सरफेस पे, जिसके रूप से हम लोग कोलोन कैंसर को बांट सकते हैं, और ये हमें यह भी बताता है कि टारगेटेड थेरेपी किस तरह से इसके लिए यूज़फुल रहेगा। और महिलाओं में होने वाला दूसरा सबसे कॉमन कैंसर है कार्सिनोमा ऑफ द सर्विक्स, और ये ज़्यादातर गांव में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि शहर में आजकल ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा है और गांव में महिलाओं में सर्विक्स कैंसर ज़्यादा है। इसका मुख्य कारण है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, और इसके लिए भी काफ़ी सारे नई तकनीक है जिसके द्वारा हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। प्रोस्टेट कैंसर एक और कैंसर है जो कि पुरुषों में होता है, और इसकी टेस्ट होती है PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, जो कि ब्लड से किया जाता है, और इसके द्वारा हम लोग इसका ट्रीटमेंट भी करते हैं और ये भी पता लगाते हैं कि जो हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसमें कितनी सुधार हो रही है PSA टेस्ट के द्वारा। इसका विभाजन, इसका टाइप जो होता है, फिर से हम लोग हिस्टोलॉजी या पैथोलॉजी के द्वारा करते हैं। अब दूसरी बात करें हम लोग सार्कोमा की, तो सार्कोमा फिर से देखा जाए तो कनेक्टिव टिश्यू जितने भी होते हैं उसमें जो कैंसर होता है उसे सार्कोमा कहते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू बहुत तरह के होते हैं। सबसे कॉमन अगर सार्कोमा की बात करें तो बोन कैंसर होते हैं जो कि हड्डी से होते हैं, जैसे ऑस्टियोसार्कोमा, इविंग सार्कोमा। इसके बाद आता है कार्टिलेज से होने वाले कैंसर जिसे कॉन्ड्रोसार्कोमा कहते हैं।
फिर आ जाता है हमारे मसल्स, मांसपेशियों से होने वाले कैंसर जिसे मायोसार्कोमा या रैबडोमायोसार्कोमा के रूप से जाना जाता है। फैट यानी हमारी चर्बी से होने वाले कैंसर को लाइपोसार्कोमा कहते हैं। ब्लड वेसल से होने वाले कैंसर्स को एंजियोसार्कोमा कहते हैं। तो ये सभी हो गए सार्कोमा की बात। जो तीसरा है वो है सीएनएस ट्यूमर। सीएनएस ट्यूमर को डिवाइड करने के लिए WHO ने ग्रेडिंग की है, जिसे 1 से 4 तक की ग्रेडिंग की है। अगर ग्रेड 1 है तो वो स्लो ग्रोइंग ट्यूमर होता है, और ग्रेड 4 है तो इसका मतलब वो काफ़ी एग्रेसिव ट्यूमर होता है। तो इसे हम लोग सीएनएस ट्यूमर को एक और तरीके से बांट सकते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं साइट स्पेसिफिक कैंसर। जैसे कि अगर ब्रेन की बात करें तो इसे डिफरेंट साइट्स में बांटा गया है, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेड्यूला, इस तरह से बांटा गया है। और किस पार्ट से ये कैंसर उत्पन्न हो रहा है या ओरिजिनेट हो रहा है, इससे डिपेंड करता है कि हम लोग उसे बांट सके टाइप्स में, डिफरेंट कैंसर टाइप्स को हम लोग पहचान सके। चौथा है जर्म सेल ट्यूमर। जर्म सेल ट्यूमर को फिर से हम लोग हिस्टोलॉजिकल टाइप से बांट सकते हैं, जैसे सेमिनोमा, नॉन सेमिनोमा, और महिलाओं में डिसजर्मिनोमा। तो ये कॉमन कैंसर है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छी तरह से किया जाए तो ये पूरी तरह से क्योर किया जा सकता है। तो ये थी बात हमारे टाइप्स ऑफ कैंसर के बारे में। धन्यवाद।